फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नायरा क्रिएटिव एंड साइंस। तो आज मैं कुछ कलेक्शन लाया हूँ जो कि हम लोग क्या होता है कुछ शॉर्ट फॉर्म है और वर्ड्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट एक्चुअली फुल फॉर्म बताऊँ तो सबको पता नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको जान लें कि हम जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो डेली वो एक्जैक्टली है क्या, उसको एक्सपांड करने में क्या बनता है या उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में नया हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ और आप लोग उसको देख सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है SMS। हम किसे बोलते हैं, अरे भाई SMS भेज देना, SMS भेजा क्या, SMS इसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। FIR, FIR क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म बोलते ना, अरे FIR क्या क्या, तो वो क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड में आता है GB, जो हम लोग मेमोरी जो कहते हैं ना, GB, KB, MB, तो GB बोले तो गीगाबाइट्स। ओके, उसके बाद CD, जो बोलते ना CD, DVD वगैरह सब, तो CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। एक्चुअली ये पता नहीं रहता तो जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ। तो उसके बाद चलते हैं, बाय बोलते हैं ना, BY, उसका मतलब क्या है, बी विथ यू एवरी टाइम। आप समझ रहे, बाय बोल रहे हो बट उसका मतलब क्या रहेगा, बी विथ यू एवरी टाइम। MAIM बोलते ना, एम है ये, एम तो एम्बिशन इन माइंड, मतलब आपका माइंड में क्या एम्बिशन, उसको बोलते हैं एम। उसके बाद सिम, अरे भाई सिम कार्ड तो डेफिनेटली इसका फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता था, तो इसका फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल। ओके, तो सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल। ओके, उसका www, हम तो टाइप तो करते हैं बाई www.google.com, कोई भी वेबसाइट टाइप करने से पहले www लगा देते हैं, तो उसका फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए ना। उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। टी, चाह तो सब लोग पीते हैं, टी मैं पीता हूँ, आप देखो ब्लैक टी, रेड टी, ग्रीन टी, सब टी के दबा। टी का फुल फॉर्म क्या, कभी सोचा है क्या हो सकता है, चलिए उसका फुल फॉर्म है टेस्ट एंड एनर्जी एमिटेड। उसके बाद पेन नंबर, वो तो पता है सबको कि पावानेट अकाउंट नंबर, लगभग जनरल वर्ड है। कंप्यूटर ये कहते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, हम बोलते PC तो द कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। डेफिनेटली ये किसी को पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को पता नहीं, बट जो लोग यूज करते हैं उनमें से 10% को पता होगा तो बहुत है। OTG बोलते ना, OTG केबल ऑन द गो। OS, OS क्या होता है, एंड्रॉयड है, एप्पल है, IS जो रहता है, उसके बाद विंडो है, Ubuntu है, लिनक्स है, बहुत सारा रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, मैं बोल देते हैं ओके, उसका फुल फॉर्म क्या बताए, ऑब्जेक्शन किल्ड। डेफिनेटली ये भी पता नहीं सबको। HS जो हम फर्स्ट पोर्ट हम जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में। IMEI तो कोई भी मोबाइल का एक IMEI नंबर रहता है, एक्चुअली क्या रहता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, तो उसमें वो इंटरनेशनल सिंगल रहता है IMEI, दूसरा नहीं रहेगा। उसके बाद है LED, भाई लाइट तो आता है, LCD था अभी LED आ गया, तो लाइट एमिटिंग ड्योड। ओके, उसके बाद चलते हैं GPS, भाई GPS तो पता है सब लोग यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं GPS। LCD, अभी हम LED जाना पहले, अभी चलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद ईट, जो खाना तो खाते हैं उसको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए ना, एनर्जी एंड टेस्ट, वेरी सिंपल बट डेफिनेटली पता नहीं है सबको, मुझे पता लीजिए इंटरेस्टिंग है। ETC बोलते ना, एटसेट्रा तो सुनोगे एटसेट्रा, वही है। HDMI, भाई आजकल तो सब HDMI में देखना, सब HDMI केबल लग गया, आप DTH बोलो कि केबल, उसे HDMI केबल, उसका फुल फॉर्म क्या, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। GPRS, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। DVD, CD हमने जाना था, डिजिटल वर्सटेला डिस्क, भार स्टेला डिस्क। उसके बाद PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यार पता रहता है लोगों।
वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, डीपी डिस्प्ले।